या श्री प्रसन्न अंजनेय स्वामी जो तिरुपति से तिरुमला की ओर जाने वाला जो रास्ता है पैदल रास्ता, उस रास्ते पर मध्य में यह हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति रास्ते में आता है। और जब तिरुमला से हम तिरुपति की ओर रास्ते से जाते हैं, गाड़ी मार्ग से जाते हैं, तब भी ये मध्य में पड़ता है। बहुत ही ऊंची विशालकाय मूर्ति श्री हनुमान जी की, यहाँ पर इसे प्रसन्न अंजनेय स्वामी कहते हैं। अंजना देवी जो है वो हनुमान जी की माता थी, तो इसीलिए उनका नाम अंजनेय स्वामी है। ये जो रास्ता है, ये रास्ता फिर पैदल के लिए आगे अग्रसित होता हुआ, अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। इस रास्ते से हम आए हैं अभी, और ये करते हैं अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। सीढ़ियों से चलने के बाद कुछ समय बाद ये पैदल वाला रास्ता भी पार करना होता है। बगल से गाड़ियाँ गुजरती हुई, आंध्र प्रदेश पासिंग, कर्नाटक पासिंग, तमिलनाडु पासिंग, सभी गाड़ियाँ पैदल चलते हुए सब लोग यात्री दिखाई देंगे आपको, श्रद्धालु। कविता इधर नीचे में पूरी पहाड़ी वैली, पूरा घना गहरा जंगल है। इस जंगल में सभी प्रकार के सरीसृप, सभी प्रकार के जंगली जानवर, जैसे कि तेंदुआ, भालू और सभी प्रकार के जंगली जानवर यहाँ पाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को लेकर जाती हुई महिलाएं, आप देखोगे तो ये पूरा रास्ता सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनाया हुआ है। तो जो वाइट कलर आप दिखाई दे रहे हैं, तो ये एंटी हीट कलर है, जिसकी वजह से धूपकाली के दिनों में या समर में पैरों को जलन महसूस नहीं होती है। इस टाइप का ये कलर होता है। जैसे ही ठंड ख़त्म होगी और धूप शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर से ये कलर मारा जाएगा। ये कंटिन्यू ट्रैफिक चालू रहती है इस टाइप से। ये जो ट्रैफिक आ रही है, ये वन वे है, ये तिरुमला से तिरुपति की ओर, यानी नीचे उतरने वाली ट्रैफिक है सारी। और ऐसा ही एक रास्ता दूसरी ओर बना हुआ है पहाड़ी के अपोजिट साइड में, जहाँ पर तिरुपति से तिरुमला के ऊपर चढ़ती हुई जो गाड़ियाँ है वो उस रास्ते से जाती है ऊपर जाने वाली, और नीचे उतरने वाली गाड़ियाँ इस रास्ते से नीचे उतरती है। दो सेपरेट रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए ये वैली बहुत ही सुंदर, श्री श्रद्धालु जो पैदल कल चलने वाले श्रद्धालु हैं वो इसी रास्ते से तिरुमला जाते हैं। और बारिश के दिनों में तो बड़ा सुंदर माहौल यहाँ होता है, बहुत सुहावना मौसम हो जाता है। ये ऊपर में शेड बना हुआ है ताकि बारिश में जो श्रद्धालु पैदल चलने वाले हैं उन्हें बारिश का सामना ना करना पड़े, सहूलियत हो, इसलिए शेड बनी हुई है। बड़ी थकान महसूस हो रही है। दोपहर में 12 बजे से हम लोग निकले हैं, अभी और एक घंटे का सफ़र बाकी है।
करीबन 2900 सीढ़ियाँ हम पार कर चुके हैं, 600 सीढ़ियाँ अभी बाकी है। अभी कुछ देर तक ये रास्ता रहेगा और फिर उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाएगी। जगह जगह पे इस प्रकार के शौचालय बने हुए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत घना जंगल, गहरा जंगल, और इसमें से अभी वहाँ देखिए कि वहाँ तिरुमला यहाँ से 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, अभी और 4 किलोमीटर हमको चलना है। तो 4 किलोमीटर की तरफ कैमरा लेना, 4 किलोमीटर। हाँ देखिए कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ पर देखिए पानी, पहाड़ों का पानी रिश्ता हुआ, काफ़ी ऊंचाई पर है हम लोग अभी। ये श्रद्धालु तिरुमला से आए हैं, दर्शन करके आए हैं श्रद्धालु। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, वाह वाह। ये देखिए कैसे ऊपर से पानी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। अब ये जो पहाड़ी आगे दिखाई दे रही है, ये जो आगे पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये पहाड़ी के ऊपर, ये जो सामने वाली पहाड़ी, ये वाली, इसके ऊपर में और एक पहाड़ी है जहाँ पर श्री वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर है। हमको ये पहाड़ी चढ़ना है और फिर उसके ऊपर वाली एक जो पहाड़ी है उस पर चढ़ेंगे, तब विष्णु भगवान के, वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन होंगे। आइए चलते हैं। वो जो सामने एक आपको गोपुरम दिखाई दे रहा है दूर जंगल में, उस गोपुरम पे हमें जाना है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर ऊपर की चढ़ाई शुरू करेंगे। ये रास्ता ऐसा घूमता हुआ वहाँ जाएगा। जो मैंने आपको काफ़ी दूर से बताया था, एक गोपुरम बताया था, एक दरवाज़ा बताया था, वो दरवाज़ा अब आ गया है। चलते हुए यहाँ तक आए हैं हम लोग। सामने दिखाई दे रहा है। अब ये दरवाजे से जो पैदल वाला जो रास्ता है, ये 2 किलोमीटर का, ये ख़त्म हो जाता है और यहाँ से फिर आगे सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है। मैं आपको दरवाज़ा और सीढ़ियाँ दिखाता हूँ। ये भव्य ऐसा दरवाज़ा है, लाइट लग गई है, देखिए बहुत सुंदर लाइट, शाम हो गई है। यहाँ इस दरवाजे से एक मान्यता होती है कि आप यहाँ से श्री वेंकटेश्वर भगवान के दरबार में पहुँच चुके हो, इसीलिए इसका नाम है मुक्काली बिट्टा गोपुरम। ये मुक्काली बिट्टा गोपुरम में वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, इस गोपुरम से जब आप प्रवेश करते हो तो यह मानता है कि आप वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के लिए जाते समय, उनके दरबार में जाते समय आपको घुटनों के बल चलना है। तो इतना घुटनों के बल आप नहीं चल पाते हो, तो एक तरीका यह होता है कि आप रूपात्मक तरीके से आप कम से कम 11 सीढ़ियाँ घुटनों के बल चढ़िए और फिर उसके बाद आप नेचुरल चल सकते हो। कविता
मेरे साथ चलते हुए। यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर गोपुरम, इसका नाम है मुक्काली बिट्टा गोपुरम। यहाँ से तिरुमला जो है श्री वेंकटेश्वर भगवान का जो मंदिर है वो 2.3 किलोमीटर है, 2.40 किलोमीटर। यहाँ से ये देखिए मुक्काली बिट्टा गोपुरम। और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये रास्ता पुराना रास्ता था, जो पुराने रास्ते से हर गाड़ी इधर से आती थी और इधर से गाड़ी होते हुए इस रास्ते से ऊपर जाती थी। लेकिन अब ये रास्ता बंद हो चुका है, नया रास्ता बना लिया है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता डायरेक्ट तिरुमला से तिरुपति जाने वाली गाड़ियों के लिए। यहाँ से जो आने वाली गाड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको, ये सारी तिरुमला से आ रही है, ऊपर से आ रही है, और इस रास्ते से होकर ये तिरुमला के तिरुपति के लिए नीचे उतर रही है सारी गाड़ियाँ। ये सारी गाड़ियाँ नीचे उतर रही। अब ये पैदल रास्ता, यहाँ जो पैदल यात्रियों के लिए जो रास्ता है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पैदल यात्री आ रहे हैं। हम लोग इसी रास्ते से आए थे और इस रास्ते से आने के बाद इस प्रकार ये हम आए मुक्काली बिट्टा गोपुरम तक। अब यहाँ से हम इन सीढ़ियों के द्वारा, इन सीढ़ियों के रास्ते से फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं अब एक बार, थकान बहुत आ गई है, कॉफ़ी लेता हूँ और कॉफ़ी लेने के बाद फिर आपको आगे का बताता हूँ। भैया कॉफ़ी देना। गोपुरम से, मुक्काली बिट्टा गोपुरम से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वेंकटेश्वर स्वामी भगवान के दरबार में प्रवेश करते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से घुटनों के बल चलना होता है। मैं जाऊँ, ये सारी सीढ़ियाँ क्या करना है, मैं चलूँ। देखिए कुमकुम और हल्दी चढ़ाई हुई, सब पूरी इकट्ठा करके रखे हुए। और यहाँ से ये कविता घुटनों के बल ऊपर चढ़ती है। अब ये मानता ये है कि यहाँ से आप उनके दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दूरी पर है उनका विग्रह, उनका मंदिर जो है वो काफ़ी दूरी पर है, लेकिन मानता यह है कि यहाँ से आपने उनके दरबार में प्रवेश किया है। और कहते हैं कि नृपति के दरबार में जब आप प्रवेश करते हो तो आपको घुटनों के बल ही चलना है, इसलिए यहाँ घुटनों के बल चला जाता है। देखिए वो भाई साहब घुटनों के बल चलते हुए क्या मानते हैं। आप कम से कम 11 सीढ़ियाँ इसके ऊपर घुटनों के बल चलिए।